ओम शांति। संगम युग पर हमारी खुशी का और हमारी स्थिति का परम महत्व है। हमारी श्रेष्ठ स्थिति सभी परिस्थितियों को बदल देती है। भगवान वाच है, श्रेष्ठ स्थिति के समक्ष परिस्थितियां कुछ भी नहीं हैं। खुशी हमारे सभी रोगों को भी समाप्त कर देती है। सवेरे सवेरे उठकर हम पहले 10 मिनट में खुशी और नशे के संकल्पों से स्वयं को चार्ज किया करें। एक बार आँख खुलते ही मन खुशियों में डांस करने लगे। वाह, आँख खुलते ही प्रभु मिलन, मेरे जैसा भगवान कोई नहीं। बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, बारंबार शुक्रिया। डांस करने लगे मन, अनेक बीमारियां ठीक हो जाएंगी, अनेक तरह की निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, ब्रेन चार्ज हो जाएगा बहुत अच्छी तरह, ब्रेन बहुत परफेक्टली काम करने लगेगा। खुशी बहुत इम्पोर्टेंट, स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट, श्रेष्ठ स्थिति का एक हिस्सा सदा खुश रहना, परिस्थितियों को हल्के रूप से देखना, सदा संपूर्ण पवित्र स्थिति में रहना, साक्षी स्थिति में रहना, शुभ भावनाओं में रहना, क्रोध से मुक्त रहना, अहंकार से मुक्त रहना, मैपन से मुक्त बनना, ये श्रेष्ठ स्थिति के लक्षण हैं। हम सभी एक बात अपने अंदर अच्छी तरह से अपना लें, मेरी स्थिति का महत्व ज्यादा है, बातों का महत्व कुछ भी नहीं है, मेरी खुशी बहुत बड़ी चीज है और ये बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं। मेरी स्थिति है करोड़ों की संपत्ति और ये बातें हैं 2-4-5 रुपए की। इन छोटी बेकीमती जिनकी कोई कीमत नहीं है, इन बातों से मैं अपनी अथाह कीमती स्थिति को क्यों समाप्त करूं? थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। बातें तो रोज आती हैं, कुछ बातें मनुष्य की खुशी को छीन कर चली जाती हैं, तो कुछ बातें कुछ निगेटिव इफेक्ट छोड़ कर चली जाती हैं, परंतु हमें सदा ज्ञान युक्त और कुछ अच्छे संकल्पों में रहना है, ताकि न हमारी खुशी नष्ट हो और न हमारी स्थिति में कोई बदलाव आए। एक बहुत सरल सी युक्ति है इसके लिए। दिन में कभी भी 5-6 बार अपने को श्रेष्ठ संकल्प याद दिलाएं, कुछ स्मृतियां दिलाएं, अच्छे संकल्प करें। जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म महान कार्यों के लिए ही हुआ है, मुझे सबको वाइब्रेशंस देने हैं, संसार की आत्माएं मेरे वाइब्रेशंस की बहुत प्यासी हैं। एक मिनट ऐसा सुंदर चिंतन कर लें। दूसरा चिंतन कर लें, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान तो मेरा साथी है, मुझे किसी भी बात में डरने की जरूरत नहीं, इस कंबाइंड स्वरूप के समक्ष सारी माया और संपूर्ण परिस्थितियाँ हार मान जाएंगी। ऐसा सुंदर संकल्प कर लें। और भी बहुत सारे सुंदर संकल्प हैं, मुझे तो बाबा के कार्यों में महान सहयोग देना है, मुझे छोटी बातों में अपने समय और संकल्पों को नहीं बिताना है, मेरा लक्ष्य बहुत महान है, मुझे लक्ष्य की ओर देखना है, इधर उधर ही देखना है। और चिंतन कर लें, मेरा कार्य सभी को देना है, वाइब्रेशंस देना, दृष्टि देना, लेना कुछ भी नहीं, अर्थात दूसरों की निगेटिविटी, संसार का प्रभाव ये मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, मैं तो महान हूँ, मास्टर क्रिएटर हूँ। ऐसे संकल्प
मैंने कई संकल्प सुनाए, एक एक मिनट के लिए दिन में कई बार अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज किया करें। ये स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का सर्वोत्तम तरीका है। इससे हम स्वयं को मोटिवेट करते रहेंगे और हमारी स्थिति महान रहेगी। तो आज सारा दिन एक्सरीडी होने का अभ्यास करेंगे, अपने को देह को देखेंगे और संकल्प करेंगे, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो चमकती हुई चैतन्य ज्योति हूँ। ओम शांति।